दोस्तों रोहित शर्मा इंडियन टीम के वाइस कैप्टन और ओपनिंग बैट्समैन है, जिन्हें खासकर हिटमैन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ रोहित शर्मा की जीवनी के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1979 को हुआ नागपुर के महाराष्ट्र में। इनकी माता का नाम था पूर्णिमा शर्मा और पिता का नाम है गुरुनाथ शर्मा। इनके पिता परिवहन कंपनी में काम करते थे। रोहित शर्मा का पालन पोषण उनके चाचा के घर में हुआ। रोहित शर्मा का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम विशाल शर्मा है। रोहित शर्मा ने अपने चाचा की इनकम से क्रिकेट कैंप पे खेलना आरंभ किया। उस समय रोहित के कोच दिनेश लाड थे। उनके कोच ने रोहित को स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में जाने को कहा था, पर रोहित शर्मा के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि रोहित शर्मा उस स्कूल में पढ़ सके। रोहित ने छात्रवृत्ति के लिए भी मांग की थी। रोहित को उस समय पैसों की तंगी के कारण उस स्कूल में जाने का मौका नहीं मिल पाया। रोहित शर्मा के पास बैट खरीदने को भी पैसा नहीं था। रोहित शर्मा शुरुआत में एक ऑफ स्पिनर थे, पर बाद में उनके कोच ने रोहित को बल्लेबाजी करने को कहा क्योंकि रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में ज़्यादा काबिलियत थी। रोहित शर्मा ने घरेलू क्रिकेट खेला। रोहित शर्मा ने अपने लिस्ट ए क्रिकेट की शुरुआत मार्च 2005 में वेस्ट जोन के खिलाफ देवधर ट्रॉफी में ग्वालियर से की थी। उसके बाद रोहित शर्मा ने देवधर ट्रॉफी के लिए मैच भी खेला जिसमें उन्होंने 182 रन की पारी भी खेली। यह मैच नॉर्थ जोन के खिलाफ उदयपुर में खेला गया। इसके बाद रोहित शर्मा को भारत ए के तरफ से खेलने का मौका मिला जिसमें रोहित ने शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद रोहित शर्मा का चैंपियंस ट्रॉफी में भी चयन हो गया, पर रोहित शर्मा को कोई मैच खेलने को नहीं मिला। इसके बाद इन्होंने रणजी ट्रॉफी में शुरुआत की। रोहित शर्मा ने 30 जून 2007 को आयरलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया। रोहित शर्मा ने 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में अपना शानदार प्रदर्शन किया, पर बाद में रोहित शर्मा को अपने खराब प्रदर्शन के कारण टीम से ड्रॉप किया गया। यही कारण था जिसके कारण रोहित शर्मा को 2011 के ICC वर्ल्ड कप के लिए नहीं चुना गया। रोहित शर्मा को अपनी अलग पहचान तब मिली जब उन्होंने 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनिंग करना शुरू किया। ओपनिंग करने के बाद रोहित शर्मा टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते गए और भारत को अपने अच्छे प्रदर्शन के कारण भारत को ICC चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई। रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स की बात करें तो रोहित शर्मा एक ऐसे क्रिकेटर है जिन्होंने वनडे में 3 दोहरे शतक लगाए और वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर है जिन्होंने एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। 264 रन 2014 में रोहित शर्मा ने बनाए थे। रोहित शर्मा IPL के सबसे सफल कप्तानों में से एक है जिन्होंने IPL में मुंबई इंडियंस को 5 बार खिताब जिताए हैं। रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जाना जाता है। वनडे में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा छक्के भी लगाए हैं। रोहित शर्मा ने 13 दिसंबर 2015 को रितिका सजदे से शादी कर ली है। रोहित शर्मा आज इंडियन टीम के वाइस कैप्टन है और रोहित शर्मा कई रिकॉर्ड्स बना चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको रोहित शर्मा की जीवनी पसंद आई होगी। जीवनी पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।